परमाराध्य संस्वाज पवित्र स्थल पर आए हुए देव तथा देवियों, धर्म से प्रेरित मेरे नौजवान साथी, प्यारे भोले भाले बच्चों, आज हम सबों के बड़े हो भाग है जो नरदेव साहेब जी के घर पोता धन मिला है, जो रितेश बाबू को पुत्र धन मिला है, रितेश बाबू को इन्हें के उपरांत यह सत्संग रखा गया है, जिसमें आदरणीय संत श्री राजू प्रदेशी साहेब के द्वारा बहुत सारे भजनों को श्रवण किए, फिर हमारे आचार्य शास्त्रीय रतन साहेब जी से बड़ी सुंदर गंभीर विचार को श्रवण किए, अब इस दास को कुछ कहने की अवसर मिला है। जो भी टूटी फूटी भाषा में कहूं, आप सादर सुन लीजिए, क्योंकि सत्य सत्य का निर्णय करने की क्षमता हर मनुष्य के मस्तिष्क में परख ज्ञान है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, अभी हम लोग संस्कार के ऊपर श्रवण कर रहे थे। संतों ने बहुत बढ़िया कहा, मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है। मनुष्य बिल्कुल सादा सादा जन्म लिया है, और हम लोग बहुत तरीका की उपाधि को पाए हैं। अनुभव करे कि जब हम लोग मां के गोदी में थे, जैसे अभी रितेश बाबू के बच्चा है, तो रुपेश बाबू के बच्चा है, मां के गोदी में है, अभी ना तो शराबी है, ना तो चिलमिया है, ना तो जुआड़ी है, ना तो चोर है, नहीं तो साकट है, नहीं तो कोई बदमाश है। जब हम गोदी में थे उस दिन को याद करें, जब हम गोदी में थे माँ के गोदी में, तो बिल्कुल साफ सुथरा थे। अब जब जब हम लोग सियाना होते गए, तब तब हम बिगड़ते चले गए। जैसे दवाई उसके लिए है जो बीमार है, स्वस्थ के लिए दवाई की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति अस्वस्थ है उनके लिए दवाई की जरूरत है, उनके लिए डॉक्टर की आवश्यकता है, उनके लिए चिकित्सालय की आवश्यकता है।
जो स्वस्थ है ठीक ठाक। इसीलिए कि हम मन से अस्वस्थ हो गए, हम मन से अस्वस्थ हो गए। आप अनुभव करें कि हमने सादा सादा जन्म लिया है, बिल्कुल साफ सुथरा, कोई ना मत के थे, ना कोई पंत के थे, ना कोई जाति के थे, बिल्कुल शिशु अवस्था में थे। सब चाहता था। आज ऐसा ऐसा उपाधि हमने बना लिया सियाना होते होते, कोई खुशी है कोई दुखी है, ऐसा जीवन जीने की क्या आवश्यकता है? ऐसा जीवन जी ले कि सब सुखमय हो जाए, सब खुशी हो जाए। जैसे बच्चा जन्म लिया है तो पूरे परिवार के लोग खुशी है, उसी बच्चा को यदि संग गलत मिल जाए, खूब गौर से अनुभव कीजिए। आप सबके पास में, हम सबके पास में मन है, अब बुद्धि है। मन है और बुद्धि है, ये दोनों चीज धीरे धीरे कुसंगत से बिगड़ गए, जिसके चलते मैथिली भाषा में परम पूज्य आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब, हम सबों को इशारा किए हैं, मन बुद्धि में लागल काई सत्संगत से छूटत। वो भी कैसे? मानव तन में जतन करूं नहीं तो भाग सवन के फूटत। मैथिली भाषा में आचार्य साहब संकेत किए हैं भजनावली। सबके पास में मन है, ई मन का क्या काम है? ई मन का काम है भीतर में बैठ करके योजना बनाना। गौर से सुनिए, लाइट व्यवस्था पर ठीक कर लीजिए। मन का काम है भीतर में बैठ करके योजना तैयार करना। और जैसा जैसा योजना बनाता है ये मन, लाइटिंग व्यवस्था ठीक कर लीजिए आप। ठीक। जैसा जैसा योजना बनाता है भीतर में बैठ करके मन, वैसा वैसा योजना को शरीर पीछे से जाकर के पूरा करता है। जैसा जैसा शरीर से योजना पूरा हुआ, उस योजना का फल परिस्मेंट सामने आता है। तो हम लोग कहते हैं कि भगवान हमको दुख देता है, हम लोग कहते हैं कि गुरु महाराज हमको क्या हो गया, दुख क्यों दिए, फिर गुरु महाराज को बदनाम करते। ये तो मन जैसा जैसा योजना बनाया, अनुभव कीजिए। जब हम गोदी में थे, मां के गोद में, तब हम खैनी नहीं खाते थे। सियाना हुए, संगत गड़बड़ाया, संग का रंग चढ़ा,
और मन जैसा जैसा संगत पाकर के योजना बनाया, शरीर जाकर के खैनी चूना खरीद लिया, फिर मन योजना बनाया कि बीड़ी भी पीना है। सिगरेट की भी बात सुन रहे थे अभी, सिगरेट भी पीना है। मन हर वक्त उसका काम है योजना तैयार करना। फिर सिगरेट के लिए शरीर पीछे से जाता है, तब सलाह मार करके मन के कहे पर शरीर आग लगा करके धुआं अपने हृदय में कसता है। फिर योजना बनाया मन की इससे मन पूरा नहीं हुआ, अब शराब भी पीना है। तो शराब तो घर में नहीं है, शराब खाना में है। अब योजना बनाया कि शराब पीना है, शरीर योजना पर, योजना को पूरा करने के लिए चल दिया कलाली, और कलाली गया पी करके मस्त हुआ, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, माता पिता के कमाया हुआ सब डॉक्टर लिया, शरीर से जीवन गया। योजना बनाया मछली खाना है, अब मछली तो यहां नहीं है, मछली तो धार कोना में है, पानी में है। ये चल दिया पहलवान मछली खाने के लिए। अभी गोदी में बच्चा है, उसको साकट कहिएगा, साकट के उपाधि पा गया वो बच्चा। अब ये मन आपको साकट बना करके रखा है, ये मन आपको चोर बना करके रखा है, ये मन आपको व्यभिचारी बना करके रखा है, ये मन आपको क्या क्या करवाएगा उस सारे मन वाला आदमी सोच लीजिए। आवारा आदमी तो साधु को भी गाली देता है, जिसका संस्कार गिरा हुआ है। तो साधु को भी गाली देगा, थोड़ा सोचिए। बड़े सुंदर सुंदर बात आपको हमारे रतन स्वरूप सहज जी सुनाए, और साधना के अर्थ होता है बिगड़े हुए मन और बिगड़े हुए बुद्धि को ठीक कर लीजिए। ठीक करने का दूसरा कोई स्थान नहीं है। एक संतों के सिवा, एक सत्संग केंद्र के सिवा दूसरा कोई स्थान नहीं है। इसलिए आप चाहिएगा तब, ये अध्यात्म स्कूल है, इसको ये समझिए, ये अध्यात्म स्कूल है, यहां बिना कागज बिना कलम के पढ़ाए जाते हैं। यहां से भी सत्संगी पास होता है, फेल होता है। अब विद्यालय से भी विद्यार्थी पास होता है, फेल होता है। तो यहां से पास और फेल कौन होता है? जिसका मन यहां नहीं है, जो सत्संग को मनोरंजन समझता है, जो सत्संग से मजाक करता है, वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं करेगा, वो फेल कर जाएगा। सत्संग मनोरंजन नहीं है, ये आत्मरंजन है। कौन विद्यार्थी फेल करता है विद्यालय में? जिसका मन संसार में लगा हुआ है। अभी हमारे रतन स्वरूप सहर जी कितना उम्र के होंगे अंदाज किए होंगे, लेकिन आचार्य की उपाधि पाए, शास्त्री की उपाधि पाए,
शास्त्री साहब, शास्त्री हमारे आचार्य साहब भी थे। थोड़ा मन को समझाइए, मन को बुझाइए, मन को रिझाइए, मन को पटियाइए, नहीं तो ये मन का कहा कीजिएगा, मन आपको बर्बाद कर देगा, मन आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए मन पर थोड़ा, सभी व्यक्ति स्त्री पुरुष सभी को मन के पीछे अब चलिएगा, अब घटा खाइएगा। करने से कोई काम पहले सोच लीजिए इसका अंजाम क्या होगा। बिना सोचे कोई कर्म मत कीजिए, इसका प्लेसमेंट क्या होगा, इसका फल क्या निकलेगा। इसलिए मैंने कहा कि शरीर बिगड़ता है, कोई रोग पकड़ता है तो डॉक्टर की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब दवाई लिखते हैं, सुइया लिखते हैं, तो शरीर को आप दवाई खा करके ठीक कर लेते हैं। और यदि मन और बुद्धि बिगड़ जाए, कौन दवाई लीजिएगा डॉक्टर के पास, कौन दवाई, कौन सुइया भगवाइएगा मन को। इसलिए थोड़ा समझिए, दिन रात सत्संग सुनते रहते हैं, लेकिन एक सूत्र के रूप में कह रहा हूं, सब आदमी सुन लीजिए। पढ़े तो समझवे करते हैं, अनपढ़ भी समझ ले कि मनुष्य को ड्राइव किया जाता है आगे से। ध्यान दीजिए बातों पर, जानवर को ड्राइव किया जाता है पीछे से। सरल भाषा में सुनिए, जानवर को हकाए जाते हैं पीछे से डंडा मारकर, मनुष्य को हकाए जाते हैं आगे से। इसलिए हम भी आप लोग के आगे में बैठे, आप लोग भी हमारे आगे में बैठे हैं। कहने का मकसद यह है, आप जिस परिवार के गार्जियन हैं, मुखिया हैं, बच्चे का दोष ना दीजिएगा कि बच्चा बिगड़ गया, क्योंकि आप पहले ठीक हो जाइए, बच्चा ऑटोमेटिक ठीक होगा। बच्चा ऑटोमेटिक ठीक होगा, आप पहले ठीक हो जाइए। आप तभी से सुन रहे थे कि घर आपका पाठशाला है, माता पिता शिक्षक,